everyone, I'm Akanksha, welcoming you all to Swiss Education. And in this video, we are going to discuss our fourth chapter of 9th class English grammar, which is auxiliaries. So previous video, we have tense and time based discussion, we have verb and verb. Today, we have auxiliary verb. So read the passage and underline the verbs in it. A passage ko padhi ki ame verb gudika underline kariba. Shekhar and Kabir have known each other from the very childhood. Eti dui jon sangong ko kotha kua jaichi. The first character is Shekhar and the second character is Kabir. So eight hamra verb dui ti introduce hela have known each other from the very childhood. Shekhar aur Kabir parospara ko pila dinohi janithile. Kabir said to Shekhar. Kabir Shekhar ko kahila, do you know Ajay? वो केवल भारत गुड़ी ग्रहण करी तो कबीर शेखर को पचारा जेहेतु अजय को जानी चुकी ये हमारे थर्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस है से हूँ अजय हैव यू एवर टॉक्ड टू हिम तो केवे ता संगरे कथा ही चुकी ही इज अ वेरी गुड सिंगर आउ अजय गोटे बहुत भल सिंगर शेखर रिप्लाइड शेखर कबीर रो प्रश्न उत्तर देखिए कौन कहला हाँ अजय को मुझे जानी से गोटे बहुत भल सिंगर आई हाव सीन हिम एट टू और थ्री म्यूजिक प्रोग्राम्स मुझे दुई तीन टी म्यूजिक प्रोग्राम रे देखी ही हाज अ वेरी गुड वॉइस तार गोटे बहुत भल कंठ अच्छे ही डिड हिज ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक से ग्रेजुएशन फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक रे करिसेंति सो ग्रेजुएशन कौन जोटा कि प्लस टू पर पिला माने करंती बीए करि परिबो बीएससी करि परिबो एंड बीकॉम करि परिबो बीए होची आर्ट्स पिलांको पाई बीएससी होची साइंस पिलांको पाई एंड बीकॉम होची कॉमर्स पिलांको पाई आउ एही कोर्स छोड़ा ग्रेजुएशन पाई विभिन्न कोर्स मध्ये अवेलेबल अच्छी वन डे दे इनवाइटेड अजय एंड सेड दिने से माने अजय को डाकिले आउ कहिले वी आर वेरी ग्लैड टू हैव योर कंपनी तुम कंपनी पाई कि माने तुमको संगरे पाई कि हमें बहुत खुशी अछु वी आर गोइंग ऑन ए पिकनिक टुमारो हमें काली गोटे पिकनिक को जाउछु यू मे जॉइन अस तुम्हें हमको जॉइन करि पारो अजय रिप्लाइड अजय कौन कहला आई शुड टेक परमिशन फ्रॉम माय फादर एंड विल देन इनफॉर्म यू मु प्रथमे मो बाबा को पाखर परमिशन नेबी तापरे तुमानकु जणेबी रिमेंबर यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स व्यूज सो टेकिंग परमिशन इज नॉट अबाउट तुमने केते बड़ हे छो बा तुम माने सानो छो इट इज अबाउट रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स व्यूज तो माने तुम बाबा मां को व्यू को केते रिस्पेक्ट कर छो दैट शोस कि तो माने तांको टू परमिशन नेके बाहर को जाउचो कि नाही पिला माने बाय द वे हबो अजय आस्किंग द क्वेश्चन कैन एनीवन ऑफ यू सिंग तो मन को भितरु के गीत गाई परबो कि वन मस्ट डेवलप सम हॉबी फॉर ए वेलकम चेंज इन लाइफ गुडे मनीष को किछि हॉबी डेवलप करबा उचित लाइफ रे किछि चेंज आनिबा पई बा परिवर्तन आनिबा पई सो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस वेट इज सब अंडरलाइन करछि नले ताको सर्कल कर दी लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस प्रथम सेंटेंस को देखो शेखर एंड कबीर हैव नोन ईच अदर फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड एट हमरा फर्स्ट सेंटेंस थिला इट हैज टू वर्ब्स सच एज हैव एंड नोन सो प्रथम सेंटेंस रो हमरा दुईटी वर्ब अछि गोटे होछि हैव आउ गोटे होछि नोन जा को मु अंडरलाइन कर छी द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड मेन वर्ब सो प्रथम वर्ब हमरा कोनटा हैव आउ सेकंड वर्ब होछि नोन प्रथम वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब बोली कहिबा और सेकंड वर्ब को मेन वर्ब बोली कहिबा तमन को मन रे गुटे प्रश्न आस्तबो जे हमे ऑक्सिलरी वर्ब केम चिन्हिबा और मेन वर्ब केम चिन्हिबा सो आज ई वीडियो देखिला परे तमन को ए डाउट टी क्लियर हि जिवो सिमिलरली यू कैन नो द मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरीज इन अदर सेंटेंसेस अब मु बाकी सेंटेंस मान करे अंडरलाइन कर दिछि और सर्कल मध्य कर दिछि सब वर्ब्स गुडी को सेथिरे तुमने बाछि परिबो मु गोटे तुमन को पई कहि दउछि एठे डू होछि ऑक्सिलरी वर्ब आउ नो होछि मेन वर्ब एठे टॉक्ड होछि मेन वर्ब हैव होछि ऑक्सिलरी वर्ब सिमिलरली तुमने तळे भी वर्ब गुडी को आइडेंटिफाई करि परिबो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो सो देखिबा हैव इन हैव नोन हैव टॉक्ड हैव सीन सो ऊपर सेंटेंस रे जो हैव नोन अछि बा हैव टॉक्ड अछि आउ हैव सीन अछि सेमन को मधरे हैव होछि गोटे ऑक्सिलरी वर्ब आउ जो डू यू नो अजय एभले गोटे क्वेश्चन थिला सेतिर होची डू हमर ऑक्सिलरी वर्ब आउ जोठी हमर अछि आर गोइंग सेठी होची आर हमर ऑक्सिलरी वर्ब आउ गोइंग होची हमर मेन वर्ब आर ऑक्सिलरी इज इंडिकेटिंग द टेंस एंड टाइम ऑफ द वर्ब सो ऑक्सिलरी वर्ब रो काम कोनो ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस रे टाइम आउ टेंस को इंडिकेट करिथाय द अदर कैटेगरी
may, should, will, ought to, can, must indicates possibility, desirability, intention, ability, obligation, compulsion. So possibility, sambhavana, desirability mane kichi ichha thibo, intention mane tumara lakshya ba uddeshya, ability mane samarthya and compulsion mane huchi badhyata, obligation mane madhya ainagata badhyata. So ei sabu jinsa ku ki indicate kare ei sabu bhar au yaku kon kua jae. The first ones are called primary auxiliary and the second called model auxiliary. So prathame jo have, do au be verb diya gala are ku kua jae be verb eman ku kua jae amaro primary auxiliary au bracket bhitare jo verb gudiko dela may, should, will, ought to, can, must eguriko model auxiliary boli kua jae. Yaku tik details re padhiba ame aguku to dekhiba. An auxiliary verb always comes before the main verb to indicate its tense or auxiliarity or modality of expression, like expression of ability, permission, compulsion, obligation, threat, desirability, etc. So gote auxiliary verb sabu bele gote main verb ra purbaru basi thai. Eita tumhe identify kori paribo jo verb ti prathame achi ta huchi amar auxiliary verb main verb ra purbaru je asi thai au jo verb ti kichi action ku show korchi kichi kamo ku show korchi taku ame koiba main verb. So main verb ro purbaru jo verb ase taku kua jae auxiliary verb to indicate its tense or modalities of expression. Taro tense ko indicate kori thai ko sentence ri ko tense ra achi ta ke jane thai ei auxiliary verb jane thai au taro ability samarthya permission ka ko ame anumati deba compulsion badhyata obligation mane modhya aingoto badhyata threat kono problem achi ba desirability mane kono ichha achi ei sabu jinso ku model auxiliary डिटेल्स रे हमको कहि थाए. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज. सो ऑक्सिलरी वर्ब को हमें दुई भाग रे डिवाइड करि परबा. गोटे होची प्राइमरी ऑक्सिलरी, नेक्स्ट होची मॉडल ऑक्सिलरी. एरे तळे गोटे टेबल दे छी हमें ताको देखिबा बे. सो देख सो तुम माने देखि परथबो ऊपर दिया छी वर्ब. वर्ब को प्रथमे दुई भाग रे कैटेगराइज कराई छी. गोटे होची मेन वर्ब आउट होची ऑक्सिलरी वर्ब. अगेन ऑक्सिलरी वर्ब को दुई भाग रे विभक्त कराई छी. गोटे होची प्राइमरी ऑक्सिलरी आउट होची मॉडल ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरी भितर जिबे बी हैव डू. बी वर्ब कोन इज एम आर वाज वेयर. इज एम आर वाज वेयर हेबे बी वर्ब. हैव वर्ब होची हैज हैव हैड. ए तीनोटी हैव वर्ब भितर जिबे. और डू वर्ब होची डू डिड एंड डज. एबे देखिबा मॉडल वर्ब को अगेन दुईटी कैटेगरी डिवाइड करा हिची. गोटे होची तार पेयर्ड फॉर्म आउटे होची सिंगल फॉर्म. सो सिंगल फॉर्म रे गोटे गोटे थिबो वर्ब एंड पेयर्ड फॉर्म रे दुईटी लेखाई वर्ब थिबो. सो विल वुड. विल होची प्रेजेंट. ताको जते बेले हम पास्ट टेंस रे करिबा सेटा होची वुड. सेल रो पास्ट होची शुड. मे रो पास्ट होची माइट एंड कैन रो पास्ट होची कुड. और सिंगल फॉर्म को मध्य दुईटी भाग डिवाइड करा हिची. गोटे होची प्योर मॉडल आउट होची सेमी मॉडल. प्योर मॉडल को गुडी को कहा जाय मस्ट आउ ऑट टू को कहा जाय ए माने प्योरली मॉडल. बट नीड डेयर आउ यूज्ड टू एगुडी को कंप्लीटली मॉडल नहोती. दैट इज व्हाई ताको सेमी मॉडल बोली कहा जाय. एंड दिस डायग्राम इज वेरी इंपोर्टेंट. याको त मन को मन रखिया पई होबो. एबे हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी को डिटेल्स रे पढ़ीबा. गिव अ सेकंड रीडिंग टू द अबव पैसेज एंड वी हैव ऑलरेडी रेड द पैसेज. यू कम अक्रॉस द वर्ब्स लाइक आर डिड हैज. सो ऊपर पैसेज टी पढ़ी कि हमें कौन देखिलु किचे वर्ब सेतरे मेंशन कराई थिला लाइक आर डिड एंड हैज व्हिच आर द फॉर्म्स ऑफ बी डू एंड हैव रेस्पेक्टिवली. जोड़ा कि बी वर्ब डू वर्ब और हैव वर्ब रो गोटे फॉर्म. सो बी वर्ब तो मन को जस्ट कहली इज एम आर वाज वेयर. तो बी वर्ब रो गोटे फॉर्म होची एठी आर. एंड डू वर्ब रो गोटे फॉर्म होची डिड. आउ हैव वर्ब रो गोटे फॉर्म होची हैज. प्लेइंग डिफरेंट रोल. आउ एमन को रोल मध्य डिफरेंट. केमति से माने कोन रोल प्ले करन के हम देखिबा. फाइंड आउट द सेंटेंसेस वेयर दे आर इन मेन वर्ब्स. फाइंड आउट द सेंटेंसेस वेयर दे आर ऑक्सिलरीज. सो किछि वर्ब रे ए जो प्राइमरी ऑक्सिलरी गुड़ी को मेन वर्ब पकरे यूज होती. बट आउ किछि जगह रे एगुड़ी को ऑक्सिलरी आकर यूज होती. सो तोरे देखिले हम जानि पाइबा को जगह रे मेन वर्ब पकरे आ को जगह रे ऑक्सिलरी आकर यूज होची. नोटिस दैट बी हैव डू कैन बी द मेन वर्ब और ऑक्सिलरीज. सो बी हैव और डू वर्ब को हम मेन वर्ब आकर मध्ये यूज करि परिबा. ऑक्सिलरी वर्ब आकर मध्ये यूज करि परिबा. व्हेन दे आर यूज्ड एज the only verb in the sentence they function as main verb. jete bele gote sentence re gote hi primary auxiliary thibo that means taha main verb akare kaam karuchi. but when
दे गो विथ अनदर वर्ब किंतु जितने सेंटेंस रे दुईटी वर्ब थिबो तो दे बिकम ऑक्सिलरी माने सेटा गुटे ऑक्सिलरी वर्ब पाकरे काम करूची आ से जो सेकंड वर्ब टी अछि ता होची तारो मेन वर्ब सो माउथ तो मन को कहि दउची जदी गुटे सेंटेंस रे केवल गुटे वर्ब थाए सेटा होची हमरो मेन वर्ब सेटा प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब पाकरे काम करथाय बट जदी गुटे सेंटेंस रे दुईटी वर्ब रहउची ताले प्रथम टी होची हमरो ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड वर्ब टी होची मेन वर्ब एबे हमें यूज ऑफ बी हैव डू देखिबा केमती बी वर्ब को यूज करा जाए केमती हैव वर्ब को यूज करा जाए एवं केमती डू वर्ब को यूज करा जाए अ बी वर्ब एज एन ऑक्सिलरी मेक्स टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सो गुटे बी वर्ब ऑक्सिलरी आकर दुई प्रकार सेंटेंस बनई परिबो वन विथ प्रोग्रेसिव मेन वर्ब एंड द अदर इन द पैसिव फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब गुटे होची प्रोग्रेसिव रे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव रे हम यूज करि परिबा बी वर्ब टी को आउट होची पैसिव फॉर्म रे वॉइस चेंज तुम्हें जानते हो एक्टिव रू पैसिव फॉर्म करा जाए सही पैसिव फॉर्म रे हमें ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करी परबा फॉर एग्जांपल तोले एग्जांपल किछ दिया जे देखिबा हमें जेंति कि हमें गुडे सब्जेक्ट नबा आई आई एम गोइंग देयर सो एठी एम टा गुडे बी वर्ब जोटा कि यूज हला गोइंग संगरे माने प्रोग्रेसिव संगरे यूज हला आ एठी गोइंग टा होची हमरा मेन वर्ब बिकॉज़ एटा गुडे एक्शन बा गुडे काम को शो करची एंड एम होची गुडे हेल्पिंग वर्ब बा गुटे ऑक्सिलरी वर्ब बट एटा प्राइमरी ऑक्सिलरी एटा मॉडल ऑक्सिलरी नुहे सो सेंती ही इज गोइंग देयर दे आर गोइंग देयर आई वाज गोइंग देयर दे वेर गोइंग देयर एटा होची प्रोग्रेसिव रे आमे केमती यूज करलु प्रथम इज एम आर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे यूज हला वाज अ वेर पास्ट प्रोग्रेसिव रे यूज हला एबे आमी देखिबा केमती ताको पैसिव फॉर्म रे यूज कराउची आई एम इनवाइटेड टू द पार्टी एठी मध्ये एम लागिला बट ता परे भी थ्री हेची वर्ब रो थर्ड फॉर्म लागिची इनवाइट इनवाइटेड इनवाइटेड सो वर्ब रो थर्ड फॉर्म लागिथिबारु एटा पैसिव फॉर्म रे यूज हेची ही इज इनवाइटेड टू द पार्टी दे आर इनवाइटेड टू द पार्टी गुडा सब पैसिव फॉर्म रे यूज हेची मते पार्टी को इनवाइट करा गला सिंपली हम लेखि परथन जे माने मते गुडे पार्टी को डाकिले बट एठी मु कोन कहू छी मते पार्टी को इनवाइट करा गला सेंती हमें पास्ट लेखि परिबा आई वाज इनवाइटेड टू द पार्टी दे वेयर इनवाइटेड टू द पार्टी सो ए भय भाबरे हमें प्रोग्रेसिव रे आ पैसिव वॉइस रे यूज करि परिबा यूज करेक्ट नाउन्स और प्रोनाउन्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम ईच टेबल सो In each of the sentences, the be verb is an auxiliary. When the be verb becomes the main verb, it introduces more information about the subject of the sentence, such as its identity, nature, quality, or position. तोरे गुड example अच्छे में देखिबा. पर प्रथम तो मन को एटा बुझे दूची. Use correct noun or pronoun to make meaningful sentence. Correct noun और pronoun को नेगी गुडे meaningful sentence तैयारी करो. Each in each of the sentences the be verb is an auxiliary pratyek sentence re be verb hochi gote auxiliary verb when the be verb becomes a main verb but jete bele gote be verb main verb akare kaam kare tumi janibo kemti it introduces eha ka ko bujhi thai more information about the subject jete bele gote be verb ba gote auxiliary verb main verb akare kaam kar thai ta subject upare amku adhika information dei thai of the sentence so sentence thi ba subject upare amku extra information dei thai au subject ro ko jin sab isare extra information amku dei thai se its identity its nature its quality its position ei sab bisare subject ro se amku extra information dei thai jemti ki gude example ro am bujhiba she is sila she is intelligent she is pretty she is the monitor She is in the classroom. तो एटा में ऑक्सिलरी वर्ब टा मेन वर्ब पाकरे टी यूज हेची तो मैंने देखी पर थबो गोटे ही वर्ब अछि सो तो मैंने जानी परिबो एटा मेन वर्ब पाकरे काम करची सो केमती एटी सब्जेक्ट के सी तो एटी सी जो सब्जेक्ट अछि आ ए वर्ब टी कोन करची हमकु सब्जेक्ट बिषय रे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दउची जेंती शी सिला सिला के से झियोटी होची सिला तो एटा होची ता आइडेंटिटी विषय रे कहिला ता परिचय विषय रे कहिला देन तार नेचर विषय रे कहिला ता प्रकृति से बहुत इंटेलिजेंट गर्ल ता क्वालिटी कौन शी इज वेरी प्रिटी ता पोजीशन कौन शी द मॉनिटर
बा एटी पोजीशन माने तर गुटे जे कामरे पोजीशन को कहा जाई परिबो जेंति कि मॉनिटर बा तर को स्थान रे सी अछि ता पोजीशन को मध्ये कहा जाई परिबो इन द रूम। सो ए भलिया भाबरे तुम्हें देखि परिबो गुटे ऑक्सिलरी वर्ब केंति सब्जेक्ट रो विभिन्न को वर्णना एटी करिला। एटा होची बी वर्ब विषय थिला। एबे आमे हैव वर्ब को देखिबा। ए हैव वर्ब एज एन ऑक्सिलरी मेक्स द परफेक्ट टेंस ऑफ द मेन वर्ब इन ऑर्डर टू शो दैट द एक्शन सजेस्टेड बाय द मेन वर्ब हैज बीन कंप्लीटेड has been completed. So for example, tori kon kahila have verb ame kete bele use karthau. So a have verb as an auxiliary jete bele ame have verb ko auxiliary akare use karu makes the perfect tense present perfect ho ba past perfect tense ta use hita of the main verb. Main verb ro present perfect ba past perfect tense re use hita jete bele ame kore have verb ko use karithau in order to show that the action suggested कौन शो करता है जे गोटे कामटी सॉरी जाई छी द एक्शन सजेस्टेड बाय द मेन वर्ब हैज बीन कंप्लीटेड। सो गोटे कामटी सॉरी जाई छी ताहा सजेस्ट करता है हमरो हैव वर्ब जेतबे ताहा परफेक्ट टेंस रे यूज हेताए जेंति कि आई हैव डन द होमवर्क माने मु मो होमवर्क को करी सरी छी। ही हैज डन द होमवर्क से द होमवर्क को करी सरी छी। अगेन आई हैड डन द होमवर्क तुम्हें हैड बहुत सिंगुलर और प्लुरल क्षेत्र में यूज करी परिबो। सो एटी कोन सजेस्ट कला जे तारो होमवर्क करबा कामटी सरी जाई छी तो एटी हैव वर्ब गुटे ऑक्सिलरी आकर यूज हला आ कोन शो कला जे तारो कामटी ऑलरेडी सरी जाई छी। मेक सेंटेंसेस यूजिंग नाउन्स और प्रोनाउन्स समय यूज करिके हमें लिखिलु नाउन और प्रोनाउन को द सेंटेंसेस मीन दैट द एक्शन ऑफ डूइंग द होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड जेंति हमें आई ही एबे प्रोनाउन को यूज करिके सेंटेंस बनेलु हमें जानि पालु जे होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड माने होमवर्क करबा कामटी सरी जाई छी। इन द सेंटेंसेस द हैव वर्ब इज एन ऑक्सिलरी आ ए सब सेंटेंस रे हैव वर्ब गुटे ऑक्सिलरी वर्ब बढ़िया काम कर छी बिकॉज़ एठे हमर दुईटी वर्ब अछि गुटे हैव अछि गुटे डन अछि। डन होछि गुटे मेन वर्ब एंड हैव होछि गुटे ऑक्सिलरी वर्ब। व्हेन ए हैव वर्ब बिकम्स ए मेन वर्ब इट मींस दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ओन्स और एक्सपीरियंसेस समथिंग। जदि आमे हैव वर्ब को मेन वर्ब आकर यूज करूछु ता कोन सजेस्ट करथाय बा कोन हमको बुझैथाय जे जो सब्जेक्ट हमर सेंटेंस रो अछि से लोको होइतौ बा गोटे जिंस होइतौ ही ओन समथिंग माने तार किछि जिंस अछि। फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल आमे देखिबा शी हैज अ बाइसाइकल इटी हैज गोटे मेन वर्ब आकर काम करछि आ कोन देखौछि जे सब्जेक्ट शी रो गोटे बाइसाइकल अछि से गोटे बाइसाइकल मालिक माने ता पाखरे गोटे बाइसाइकल अछि। शी हैज अ ब्रदर तार जने भाई अछि। शी हैज अ पार्टी टुनाइट तार आज गोटे पार्टी अटेंड करिवार अछि। सो मु आशा करछि तुम्हारे हैव वर्ब आउ बी वर्ब क्लियर हि सतिबो। एबे आमे देखिबा डू वर्ब कोन। ए डू वर्ब एज एन ऑक्सिलरी टर्न्स अ सेंटेंस इनटू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गोटे डू वर्ब कोन करे गोटे सेंटेंस को नेगेटिव गोटे डू वर्ब जते बले ऑक्सिलरी आकर यूज हेताए ता सेंटेंस को गुटे नेगेटिव सेंटेंस बा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रे कन्वर्ट करी थाए। नेगेटिव माने नास्तिवाचक वाक्य आ इंट्रोगेटिव माने क्वेश्चन जो सेंटेंस रे थिबो सेहिथिरे कन्वर्ट करथाए। जेंति कि एग्जांपल ए बॉक्स रे हम देखिबा आई डोंट राइट लॉन्ग आंसर्स। सो इठी ऑक्सिलरी आकर यूज हला आ इठी नेगेटिव सेंस रेटा यूज हेछि आई डू नॉट राइट लॉन्ग आंसर्स। केमती हम जानिलु जडन ऑक्सिलरी आकर यूज हेछि बोली बिकॉज इठी राइट अछि तारो मेन वर्ब। He does not write long answers. Say long answers लिखे नहीं। So ऐठी मध्य negative आकर use हैला आउ auxiliary आकर use हैला। I did not write long answers। ऐठा मध्य negative sense रे use करा गला। एबे देखिबा हमें केमती ताकु interrogative sentence बा प्रश्न बाचक बाकी ओर use करुचे। Do I write long answers? Do you write long answers? Does he write long answers? Does she write long answers? Did the girl write long answers? एबे बारे तुम्हें यूज करि परबो। I पखरे do बसिबो, you पखरे do बसिबो because एबडा होचो फर्स्ट पर्सन। He, she आउ the girl पखरे does बसिबो because एटा होची थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आउ did तुम्हें सब बारे लगे परबो। फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग सुइटेबल नाउन्स और प्रोनाउन्स हमें ऑलरेडी करि सल्लु। सुइटेबल नाउन और प्रोनाउन यूज करि के हमें सेंटेंस फ्रेम कोलु वर्तमान। The sentences mean that the action of writing long answers has been denied all questions.
सो ए सेंटेंस रो माने कोनो जो एक्शन डा ऑफ राइटिंग लॉन्ग आंसर्स सो लॉन्ग आंसर लिखिबा कामोटी हैज बीन डिनाइड मना करा जाय छी ऑल क्वेश्चन गोटे गोटे जगह रे जेते हमें नेगेटिव सेंस रे कलु ता माने होची लॉन्ग आंसर लिखिबा कामोटी को मना करा जाय छी आ जेते बेले हमें ताको प्रश्नवाचक वाक्य रे यूज कलु दैट मींस एठी प्रश्न पचरा जाय छी कि मु लंबा आंसर लिखे कि से लंबा आंसर लिखे कि से झियोटी लंबा आंसर लिखिला कि ए भलिया प्रश्न करा जाय छी इन द सेंटेंसेस द डू वर्ब इज एन ऑक्सिलरी आ ए सब सेंटेंस रे डू वर्ब ऑक्सिलरी आकर काम करची बिकॉज से मन करो गोटे गोटे मेन वर्ब सेंटेंस रे अछि When do verb becomes a main verb, it means that the subject of the sentence performs an activity or task. और जब तबरे sentence रे गुड़े do verb main verb अकरे use हुए कौन show कर थाए? जब गुड़े किची activity बागुड़े task हो जी किची कामो हो ची बोली show करु थाए। और एक कामों टी क्या करी थाए? Sentence रो subject करी थाए। For example गुड़े example देखी बा You do not do your homework regularly. तुम्हें तुम्हारो homework प्रतिदिन करो नहीं। एठी डू गोटे मेन वर्ब आकर यूज हेची आउ के करबा कथा कहउची एठी यू सब्जेक्ट करबा कथा कहउची ए डू वर्ब टी एठी ऑक्सिलरी आकर यूज हेची आउ ए डू वर्ब टी मेन वर्ब आकर यूज हेची जोटा की गोटे एक्टिविटी आउ टास्क परफॉर्म होची बोली शो करउची वी हैव स्टडीड प्राइमरी ऑक्सिलरीज द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरीज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज सो प्राइमरी ऑक्सिलरी विषय रे हम डिटेल्स रे पढिलु एबे हम जोटा पढिबु ता होची मॉडल ऑक्सिलरी Let's study them in more details. Aw ethi model auxiliary ku ame details re padhiba. Model auxiliaries do not usually act as main verbs nor do they change with the number or person of the subject or noun. So model auxiliary gudiko main verb akare kaam kari paranti nahi. Jemti ame dekhilu primary auxiliary both main verb aw auxiliary verb akare kaam kari parchi sentence re but model verbs main verb akare kaam kari paranti nahi. Nor do they change with the numbers or person of the subject noun or pronoun our sentence ro jetebele subject ro person ba number change hue person mane first person ro second person ba third person hele number mane singular ro plural ba plural ro singular hele modal auxiliary re konsi farak pade nahi they act as auxiliary verbs kebal se mane auxiliary verb pakare kaam karanti they have single forms for all subject समस्त सब्जेक्ट पाई से सिंगुलर हो बा प्लुरल हो समान कर केवल गोटे ही सिंगुलर फॉर्म थाए दे डू नॉट चेंज इवन फॉर ए सब्जेक्ट लाइक ही शी और इट जदि आई पाई तुम्हें कैन यूज करू छ ही सी इट पाई मध्ये तो माने कैन यूज करि परबो नॉट डू दे चेंज फॉर पास्ट टाइम पाई मध्ये से माने चेंज होती नहीं टू मॉडल्स कैन नॉट गो टुगेदर इन अ सिंपल सेंटेंस गोटे सिंपल सेंटेंस रे दुईटी मॉडल केबे हमें यूज करि परबो नहीं They have non-finite forms as primary auxiliaries have to be, being, been. So, semana karo non-finite forms na thai. Jemti amara primary auxiliary ro non-finite forms thai to be, being, or been. Modal auxiliary ro konsi non-finite verbs, konsi non-finite forms na thai. They are always finite. Semana sabu bale finite jagare hi use hoanti and come before all the verbs in a simple sentence. Simple sentence ro samasta bhar purvaru semane asithanti. All the models are followed by the bare infinitive form of the verb. Bare infinitive kono non-finite verb jo thire ki to ame use karuna hai taku bare infinitive boli kua jai thai. So I want you to remember all the six rules jo ra ki model auxiliary bisoy re kua gala and we'll be meeting in the next video and till the time we meet next do like comment share and also subscribe to this channel if you haven't yet. Do check out my channel literature library for more such informative videos. And thank you so much for watching this video.